नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौहान और आप देख रहे हैं राहुल टेक सपोर्ट 29। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अमेजॉन बेसिक्स के मिनी ट्राईपॉड की। तो जैसे कि अमेजॉन बेसिक्स का ये मिनी ट्राईपॉड है, तो चलिए आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग, वैसे इसको मैं एक बार ओपन करके चेक कर चुका हूँ किसी वजह से, तो फिर भी हम इस आपको इसकी पूरी, मैंने हालांकि एक बार यूज़ नहीं करा है कुछ भी, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग और हम इसका पूरा रिव्यू आपको दिखाते हैं। हालांकि इसके साथ मैंने मोबाइल ट्राईपॉड होल्डर भी ऑर्डर करा था जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं हम। तो ये ट्रॉली मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ वैसे इसकी। इसके अंदर जैसे कि हमें अपना बॉक्स और हमारी रेसिपिएंट स्लिप मिल जाती है, तो चलिए इसे साइड करते हैं और देखते हैं अपने इस बॉक्स को। तो बॉक्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि इस पे मेंशन है, आपको काफ़ी सारी इस पे डिटेल इस पे वैसे मिल जाती है, और जो कि अलग अलग लैंग्वेज में मेंशन है अमेजोन बेसिक्स प्रोडक्ट। और इसकी अगर हम बात करें तो नेम ऑफ द कमोडिटी मिनी ट्राईपॉड, जैसे कि अमेजोन बेसिक्स का लाइट वेट मिनी ट्राईपॉड है और इसमें 1 यूनिट, और इसका जो MRP मेंशन है वो है ₹765। हालांकि ये जो मैंने ऑर्डर परचेज़ करा है, मुझे इसे पड़ा है ₹399, और जैसे कि मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट अक्टूबर 2017। तो ये अमेजोन का अपना खुद का जो कि ट्राईपॉड हमें इसमें मिल जाता है। और फ्रंट पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे मेंशन मिल जाता है अमेजोन बेसिक्स, और नीचे लाइट वेट मिनी ट्राईपॉड जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर लिखा है और जो कि अमेजोन का अपना ही प्रोडक्ट है। हालांकि इसकी सील मैंने पहले ही ब्रेक कर दी है, तो चलिए सील ब्रेक तो है ही, हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। हमें अंदर अंदर हमें मिलता है हमारा ट्राईपॉड जो कि साइज़ में काफ़ी छोटा है, पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हमें मिल जाती है। तो चलिए बॉक्स को साइड करते हैं और ये हम देख लेते हैं अपना, जैसे कि ट्राईपॉड हमें एक पॉलीकार्बन पन्नी में मिल जाता है। तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी छोटा ये ट्राईपॉड है। तो ये हमें इसकी, हालांकि इस छोटे होने के बाद इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जैसे कि अमेजोन का खुद का भी प्रोडक्ट है तो आप समझ सकते हैं आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो चलिए इसकी ये ट्रीलैक्स ओपन करके देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का इस ट्राईपॉड का डिज़ाइन है, और जैसे कि ऊपर इसमें पेन हेड मिल जाता है वो भी यूनिवर्सल मोबाइल होल्डर सपोर्ट के साथ। जैसे कि आप इसमें अपना कोई सा भी मोबाइल होल्डर लगा सकते हैं, हालांकि मुझे मेरा अभी तक मोबाइल होल्डर नहीं मिला है जो कि मैंने इसके साथ ही परचेस करा था। और यहाँ पर आपको ये पिन मिल जाती है जिस पिन की मदद से आप इसे लूज कर सकते हैं थोड़ा, और इसके डायरेक्शन में चेंजेस कर सकते हैं। काफ़ी टाइट ये पिन है। चलिए हम इसे थोड़ा लूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये लूज़ कर लिया, तो अब आप देख सकते हैं लूज़ करने के बाद आप इसके इसका डायरेक्शन कहीं भी, जैसे कि ये 90 डिग्री तक मूवेबल है, आप इसे 90 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं इसके पेन हेड को। और जो कि इसका रोटेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल 360 डिग्री का है। हालांकि पूरा 360 डिग्री वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर आकर इसका जो ये है इसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा 360 डिग्री रोटेशन में है। तो चलिए इसे हम वापसी स्क्रू को टाइट कर लेते हैं, तो जैसे कि टाइट हो चुका है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका टोटल साइज़ कितना होगा अगर हम इसे नीचे से पुल कर लें इसके लेग्स को। हालांकि ये टोटल 14 इंच का होने वाला है, तो देख सकते हैं। हालांकि ये ट्राईपॉड छोटा है पर इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए काफ़ी आप इस पर अपना मोबाइल फ़ोन या फिर आप कैमरा तक इस पर लगा सकते हैं, उसके वज़न में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी और उस पर लेते हैं जस्ट लाइक स्टेयर का ट्राईपॉड या फिर कोई और सा, तो उसमें आपको क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं मिलती है, जैसे कि वो उसमें हमें प्लास्टिक मिलती है, और हालांकि ये एलमिनियम में है, एलमिनियम एंड स्टील में हमें ये मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इस ट्राईपॉड का कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें।